हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 36 मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 29 जून की दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला होगा इंग्लैंड के हेडिंगले लीड्स में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो उनके ओपनर हैं इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, हैरी सोहेल, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक जैसे बल्लेबाज दोस्तों, और बाबर आजम ने तो क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन शतक मारा था और नॉट आउट रहे थे और पाकिस्तान को मैच जिताया था। तो वही मैं जो है अफ़गानिस्तान की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो बल्लेबाज हैं वह हैं आपका उनके अहमद शाह और मोहम्मद रबी जैसे बल्लेबाज, साथ ही साथ जो उनके हज़रतुल्लाह ज़ज़ई हैं बल्लेबाज, वो भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफ़ी हार्ड हिटर हैं, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं खेल रहे। और जो उनके पास दूसरे बल्लेबाज हैं वह हैं नजीबुल्लाह ज़ादरान जैसे बल्लेबाज दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो मुझे तो बल्लेबाजी में पाकिस्तान का पल्ला भारी लग रहा है। वहीं अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो, और सबसे पहले पाकिस्तान की गेंदबाजी भी नज़र डालूं तो पाकिस्तान के पास जो गेंदबाज हैं वो हैं वहाब याज, शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर जैसे गेंदबाज, साथ ही साथ उनके पास स्पिनर में इमाद वसीम और शादाब खान जैसे गेंदबाज है दोस्तों, और एक मोहम्मद हसनैन भी है उनके पास जो बहुत ही बेहतरीन युवा टैलेंट है। साथ ही साथ अगर मैं अफ़गानिस्तान की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो अफ़गानिस्तान के पास जो गेंदबाज हैं वो हैं आपका राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और उनके कप्तान गुलाबुद्दीन नईब भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करा लेते हैं, और दौलत ज़ादरान जैसे गेंदबाज है दोस्तों, और हामिद जैसे गेंदबाज है, हामिद हमजा जैसे गेंदबाज। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मेरा पसंद मानना है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही पाकिस्तान टीम का पल्ला भारी है। दोस्तों अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दो टीमों से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये जो मैच है ये होगा इंग्लैंड के हेडिंगले लीड्स में, और मैं दोस्तों मैच विनर बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरी जो मैच प्रेडिक्शन है बैक टू बैक सही हो रही है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में मैच प्रेडिक्शन देता हूँ, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अब आइए मैच विनर की बात करते हैं। जो मैच है मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मेरे हिसाब से मैच विनर होगा पाकिस्तान की टीम। अगर आप लोगों को लगता है मैच पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान की टीम जीतेगी तो आप अफगानिस्तान के साथ जा सकते हैं दोस्तों, मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊँगा दोस्तों। फिर मैं ये बात इंग्लिश में दोहराने जा रहा हूँ कि कौन सी टीम मैच विनर है, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती है, तो उनके लिए मैं मैच विनर इंग्लिश में दोहराने जा रहा हूँ। मैच विनर विल बी पाकिस्तान, पाकिस्तान विल विन दिस मैच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।